ये अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर का रामबाण इलाज है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो जल्द ही आपको हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा। तो गाइज, मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए अभ्यास के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा। तो आएंगे अभ्यास के लिए। सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें और जीभ को बाहर निकालें और गोल करें इस प्रकार। जब आप जीभ को गोल ना कर पाए तो आप, मैं दूसरे जो प्राणायाम बताऊंगा आपको, आप उसको भी फॉलो करके सेम ही आप बेनिफिट ले सकते हैं उससे भी। तो इस प्रकार जीभ को गोल करें और श्वास को अंदर खींचे पूरी तेजी से। जब श्वास अंदर आ जाए तब उसको होल्ड रखें इनसाइड ही। जब तक आप रोक सकते हैं श्वास को तब तक रोकें और उसके बाद आप श्वास को बाहर छोड़ें नाक से। फिर से भरें, होल्ड रखें यू कैन पॉसिबल, और फिर नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। 10 से 12 बार इसका अभ्यास करें। ये है शीतली प्राणायाम। तो अब आएंगे दूसरे प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम को करने के लिए सेम स्थिति में बैठें, कमर गर्दन को सीधा रखें। अब जीवा को बैंड करके अपने तालु से टच करें, ऊपर की ओर टच करें इस प्रकार। और जब ऊपर टच हो जाए जीव, तब मुंह को बंद करना है, होंठ को खोल लेना है और तेजी से श्वास अंदर भरना है। इस बार होल्ड रखें इनसाइड ही, यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें यथासंभव। जब ना होल्ड नहीं रोका जाए तब श्वास को नाक से बाहर छोड़ दें इस प्रकार। फिर से भरें, होल्ड रखें, और जब ना रोका जाए होल्ड तब श्वास को बाहर छोड़ दें नाक से। 10 से 12 बार शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास करें। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। अगर इन अभ्यास को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो यह हाई ब्लड प्रेशर का रामबाण इलाज है। इससे आपका कंफर्म है कि हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।